हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ फ्रेंड, आज के सेशन में लोग फिर सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे शॉर्ट ट्रिक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारे क्वेश्चंस के रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे इजी और स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सो प्लीज़ गाइज, आप ही मेरा वीडियो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करूँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अप्रोच के लिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव भी आपको शॉर्ट ट्रिक अप्रोच सिखाना है। सो प्लीज़ गाइज, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये एक एग्जाम अप्रोच चैनल है जिसमें मैं आपको बहुत ही ईजी स्मार्ट अप्रोच के टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर हम लोग शेयर करते हैं। और वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज़ आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिए, जहाँ पे मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट करता रहता हूँ, एंड माई सेल्फ अमित। सो नाउ गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड टू शॉर्ट ट्रिक्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ गाइस, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000 फॉर 9 मंथ एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब गाइस, हमें यहाँ पे बताना है कि 16,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यदि ब्याज की दर हमें क्या दे रखा है, त्रिमासिक, इट मीन्स क्या है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही इजी स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करना यहाँ पे सीखेंगे कि हम लोग कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को भी इजी सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ गाइस, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट हमें 16,000 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दे रखा है, एंड देन टाइम यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम 9 मंथ्स दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग टाइम पहले निकालेंगे कि टाइम हमें फाइंड करना है, और क्वार्टरली हमें क्या दे रखा है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट लग रहा है। तो देखिए यहाँ से टाइम हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो टाइम देखिए हमारा कितना है, 9 मंथ है, तो टोटल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि हमें 12 मंथ होते हैं, एंड देन क्वार्टरली इसमें मल्टीप्लाई बाई 4, तो यहां से देखिए ये कट जाएगा, तो ये हमारा 3 टाइम कटेगा, एंड देन ये आल्सो 3 टाइम कटेगा, तो टाइम हमारा यहां पे कितना आ गया, टाइम हमारे पास आ गया 3। एंड नाउ अब यहां से रेट देखते हैं, तो रेट हमारा कैसे आएगा, तो रेट देखिए हमें कितना दे रखा है, 20% इसको डिवाइड बाई हम लोग करेंगे 4, तो ये कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 5%। ओके, और 5% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये भी हमें जान लेना चाहिए, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/20। और गाइस, इसी फ्रैक्शन वैल्यू से हम लोग अपने आंसर्स पे आएंगे, बहुत ही इजी स्मार्ट अप्रोच में सीखेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो हमें ये 20 आया है, ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, और उसमें एक क्या मिला है, इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 21। गॉट इट, ये बात समझ में आई आपको, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो गाइज देखिए, मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ, प्रिंसिपल एंड देन अमाउंट। अब देखिए हमें टाइम हमें यहाँ पे 3 आ गया है ना, तो गाइज देखिए, अगर हमारे पास इनिशियली कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, 20, और एक इंटरेस्ट मिला तो कितना हो गया, 21, तो अमाउंट हमारा कितना बना, 21। सेम हमारे सेकंड ईयर के लिए भी 20, एंड हमारा अमाउंट 21 हो जाएगा, एंड थर्ड ईयर के लिए भी हमारा कितना होगा, 20 एंड 21 हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो गाइस देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का क्यूब एक तरह से ये हो गया, तो ये 20 का क्यूब हमारा कितना होता है, 8,000, एंड देन 21 का क्यूब हमारा कितना होता है, 9,261। सो गाइस, ये देखिए ये जो प्रोसेस हमने किया है, देन नाउ गाइस देखिए, 8,000 हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट, ये हम इसको यूनिट ट्रीट कर सकते हैं, यूनिट,
और ये हमारा 9261 हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। और गाइस हमें फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का क्या डिफरेंस, डिफरेंस ये हमारा क्या होता है सीआई। तो यहाँ का यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे इनका डिफरेंस आएगा हमारा 1261 यूनिट, और यही यूनिट की हमें वैल्यू पूछना है, निकालना है, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे और यूनिटी मेथड को फॉलो करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए 8000 यूनिट हमें यहाँ पे दे रखा है ना, 8000 यूनिट हमें किसके इक्वलेंट दे रखा है, 16000 के, क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट है और प्रिंसिपल अमाउंट हमें दे रखा है 16000 और हमने यूनिट कितनी है 8000। तो यहाँ से देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हुए। तो गाइस देखिए 8000 यूनिट जो हमारा है वो किसके इक्वलेंट है, 16000। एंड देन यहाँ से वन यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं ना, तो वन यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, 16000 डिवाइड बाय 8000। तो यहाँ से देखिए 3 जीरो कट गए और ये वैल्यू कट के हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू कट के हमारे पास आ जाएगी 2 रुपीज़। अब देखिए हमारे पास वन यूनिट की वैल्यू आ गई है और हमें 1261 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो गाइस देखिए हमें ये सीआई निकालना है, तो हमने वन यूनिट की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली और हमें 1261 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारा 1261 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमने वन यूनिट की वैल्यू निकाली है ना 2 रुपीज़, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2522 रुपीज़। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके सो देखिए गाइस सिंपल था, हमने कुछ नहीं किया, बस लॉजिक बेस्ड पे अपने आंसर्स पे ले आए। यही आपको भी करना है, इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन फंडा होता है कि टाइम डबल हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें मंथ में दे रखा था जो हमें टाइम था, तो उस टाइम को हमने टोटल ईयर एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं ना, तो ये हमने मंथ से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, क्योंकि क्वार्टर जा रहा है। क्वार्टर मतलब क्या है, 3 3 3 3 4 12, तो वही हर मंथ वो तीसरे मंथ में उसका ब्याज लग रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे टाइम कितना निकाल लिया, 3। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है हाफ हो जाएगा, तो यहाँ से 5% ले लिया और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू का लॉजिक नहीं आता है, या मैंने जो आपको बताया है कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से भी बहुत ही इजी अपने मैथ कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे पिछले वीडियोस को जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थमेटिक क्वेश्चंस को ईजी और स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज़ गाइज वहाँ से जाइए, आप वीडियोस देख लीजिए, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं कि मैंने कैसे फ्रैक्शन वैल्यूज़ का मैजिक दिखाया है, कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन वैल्यूज से भी अपने वर्क को बहुत ही स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को ईजी आंसर लाने में। ओके गाइज आई होप अब आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि मैंने यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस किया है, कैसे अपने आंसर्स पे आए। तो देखिए मैं अल्टीमेटली आपको एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि देखिए जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आई थी 1/20, जो कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती, तो ये जो 20 हमारा नीचे है, तो ये हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर आपके पास 20 रुपये हैं, उसमें हम 1 रुपये आपको दे दे तो ब्याज के रूप में, तो आपके पास कितना पैसा हो जाएगा, 21 रुपये। तो वही देखिए यहाँ पे अमाउंट हमने 21 कर दिया और हमें टाइम कितना है, 3 इयर्स के लिए है, तो ये 3 इयर्स के लिए हमने निकाला और इनका मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 का क्यूब हमारा 8000 यूनिट हो गया एंड देन 21 का क्यूब हमें 9261 यूनिट हो गया। और गाइज इनका जो डिफरेंस होता है वो हमारा सीआई होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने यहाँ से इनका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला डिफरेंस से, तो वो कितना आया, 1261 यूनिट। अब गाइज देखिए यहाँ पे हमें 8000 यूनिट तो हमें दिया ही है, और ये किसके इक्वलेंट है, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी है, तो ये हमें इक्वलेंट है 16000 के। तो यहाँ से हमने वन यूनिट की वैल्यू निकाली जो कितना आया, 2 रुपये, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो हमारा है
वो है 1261 रुपये यूनिट, तो उसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और अपने आंसर पे आ गए 2522 रुपये। दिस इज अवर आंसर। सुनाओ गाइस, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं हाफ ईयरली बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब क्वेश्चन में हमें हाफ ईयरली दे रखा हो, उस क्वेश्चन को भी बहुत ही इजी स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करना सीखेंगे। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 रुपीज़ है, देन टाइम हमें दे रखा है 1 ईयर 6 मंथ, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 20%, बट यहाँ पे कंडीशन हमें दे रखा है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ हाफ ईयरली। मतलब कि क्या है कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड है हाफ ईयरली बेसिस पे। तब हम देखें हम लोग क्वेश्चन को कैसे इजी डील करेंगे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने में। सेम एज इट इज़ हम अपने पिछले क्वेश्चन की तरह ही प्रोसेस में यहाँ पे भी अपने आंसर्स को फॉलो करेंगे लाने के लिए, बट कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि वहाँ पे हमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट दे बेसिस पे निकालना था, अब यहाँ पे हमें हाफ ईयरली बेसिस पे निकालना है। तो देखिए हाफ ईयरली बेसिस मतलब क्या है कि हर 6 महीने में हमें ब्याज देना है, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस केस में हमारा रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो रेट हमें कितना दे रखा है 20%, तो वहाँ पे हमें रेट हाफ हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना रेट आ जाएगा हमारे पास 10%। तो देखिए सिंपल है, अब यहाँ से देखिए रेट मैं फिर से फॉलो करता हूँ क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करने के लिए आंसर लाने में। तो देखिए रेट हमारा है, रेट हमारा हाफ हो जाएगा हाफ ईयरली बेसिस में, तो 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 10% हो जाएगा। और गाइस हमें 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 1/10 होता है, ये तो आपको भी पता होगा क्योंकि अब आप इतने कॉन्फिडेंस हो गए होंगे हमारी शॉर्ट ट्रिक सीखे कि अब आप चीज़ें बहुत ही इजी अंडरस्टैंडिंग में समझ पा रहे होंगे। और गाइस देखिए टाइम हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, तो टाइम हमें पता है, टाइम हमें हर 6 महीने में इंटरेस्ट पेड करना है। तो देखिए यहाँ से हमें 1 ईयर 6 मंथ का हमारा टाइम आ जाएगा, बिकॉज देखिए 1 ईयर में हमारे कितने मंथ होंगे, 2, क्योंकि 6 मंथ 6 मंथ और 6 ऑलरेडी 1 है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे पास 3 हो गए। तो हर 3 6 महीने में हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, जितने टर्म्स कितने हमारे आए, 3 टर्म्स आ गए। अब यहाँ पे देखें फॉलो करते हैं अपने आंसर्स पे, तो सेम एज इट इज़ देखिए 10% हमारा जो यहाँ पे है ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, और उसमें एक इंटरेस्ट दे दिया तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11, तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब यही चीज़ हम यहाँ पे फॉलो करेंगे जैसे हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो गाइज देखिए ये प्रिंसिपल हमारा हो गया एंड देन अमाउंट, तो प्रिंसिपल अगर हमारे पास 10 रुपये है फॉर द फर्स्ट ईयर, तो अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, एक इंटरेस्ट मिल जाएगा तो 11 हो जाएगा। ये हमें फर्स्ट ईयर के लिए था, एंड देन सेकेंड ईयर के लिए देखिए वही प्रोसेस 10 एंड 11, एंड ऑल्सो थर्ड ईयर के लिए भी हमारा यही रहेगा 10 एंड 11। तो गाइस अब यहाँ से हमें 10 का क्यूब पता है, 11 का क्यूब पता है, क्योंकि ये हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1000, एंड ये हमारा आ जाएगा 1331। और गाइस हमें पता है कि इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ से इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 331 यूनिट। और देखिए हमें 1000 यूनिट की तो वैल्यू दे रखी है ना, क्योंकि 1000 हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कितना दे रखा है, 20,000। तो बस हम यहाँ से यूनिटरी मैटर लाएंगे और अपने आंसर्स को बहुत ही ईजी फाइंड कर लेंगे। सो गाइस देखिए 1 यूनिट हमें किसके इक्वेलेंट दे रखा है, 1 यूनिट हमें दे रखा है 20,000। देन यहाँ से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर दो कितना आ जाएगा 20। ये यूनिटरी मेथड मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। और देखिए हमें कितने की यूनिट निकालनी है, 331 यूनिट की वैल्यू निकालनी, जो कि हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 331 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,620 रुपीज़। दिस इज़ अवर आंसर। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट, हमें दे रखा है 8,000 रुपीज़, एंड नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या दे रखा है 20%, और टाइम हमें दे रखा है 1 ईयर। एंड देन क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का, हमें क्या डिफरेंस बताना है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्या है हमारा कंपाउंडेड है क्वार्टरली, मतलब कि हर 3 महीने में हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो कैसे करेंगे? तो गाइज देखिए, टाइम हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 ईयर, 1 ईयर दे रखा है। तो यहाँ से हमें अगर हम 3-3 महीने हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितने टर्म्स हमारे हो जाएंगे, 4। तो यहाँ से कितने टर्म्स हमारे हो गए, 4। ये हमारा क्या है, क्वार्टरली। एंड देन रेट हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हाफ नहीं होगा, मतलब कि हाफ नहीं, डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो यहाँ से देखिए रेट हम लोग निकालेंगे, तो रेट हमारा हो जाएगा 20 हमें दे रखा है, इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो रेट हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, रेट हमारा हो जाएगा 5% क्वार्टरली। अब गाइस देखिए, और हमें देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है, 8,000। तो ये हमारा 8,000 हो गया। अब इसमें देखिए कितने टर्म हमारे बने, 4 टर्म्स बने ना, तो यहाँ से हम लोग 4 टर्म्स बना लेते, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हमारे कितने टर्म्स हो गए, 1, 2, 3 एंड 4 टर्म्स हमारे बनेंगे। तो देखिए 8,000 हमारा है, इसका हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5%। तो कितना हो गया इसका, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 8,000 से 400, और सेकेंड ईयर में भी हमारा कितना आ जाएगा, 4 ईयर, एंड फिफ्थ थर्ड ईयर में भी हमारा कितना आ जाएगा, 400, एंड देन फोर्थ ईयर में भी हमारा 4% के रेट से कितना इंटरेस्ट आएगा, 400। तो देखिए गाइज ये हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ टर्म्स हमने निकाल लिए हैं अपने 5% के रेट से। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या इससे पहले कोई इंटरेस्ट है, तो हाँ है। तो देखिए 4,000 का इंटरेस्ट है, तो इस पे हम लोग 5% के इंटरेस्ट जब लगाएंगे तो इसमें कितना मिलेगा हमें, 20 मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। एंड देन थर्ड ईयर में देखिए, थर्ड ईयर में हमारे पास कितने इंटरेस्ट हैं, 2 हैं। तो देखिए इसका हमें 25% के रेट से मिलेगा, 20, एंड देन इसका भी हमें 5% के रेट से मिलेगा, तो ये भी 20 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे एक और भी तो इंटरेस्ट है हमारा 20, इसका भी तो 5% से मिलेगा, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 1। आई होप ये चीज़ समझ रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या प्रोसेस कर रहा हूँ। एंड नाउ गाइज अब हम लोग फोर्थ ईयर में आते हैं। फोर्थ ईयर में देखिए कितने हमारे इंटरेस्ट हैं, 4, 3 हैं। तो यहाँ से देखिए ये सब के तो हमें 20-20 मिल जाएंगे, ओके। एंड नाउ गाइज अब देखिए हमारे पास कितने ये इंटरेस्ट हैं, ये हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। तो इनका भी कितना कितना आएगा, 1, 1 एंड 1। आई होप समझ रहे होंगे। और देखिए एक हमारा ये वन भी तो इंटरेस्ट है, इसका भी तो मिलेगा हमें, तो इसका हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा 0.05। अब गाइज देखिए, अब मैंने आपको अपने पिछले क्वेश्चंस में बताया था, जो मैं लास्ट पार्ट के वीडियो से उसमें बताया था मैंने कि जो ये हमारा प्रोसेस होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, और पूरा प्रोसेस हमने कंपाउंड इंटरेस्ट किया है। एंड देन जो हमारा ये प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस, ये हमारा SICI का डिफरेंस है। तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे। तो देखिए ऐड करते हैं, तो देखिए पहला 20 हमारा ये है, 20 प्लस 20 20 20 20 इनको ऐड कर लेते हैं। एंड दिस इज 20, तो देखिए कितने 20 हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 20। तो देखिए ये अगर हम इनको करेंगे ऐड, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अभी और भी तो है वो भी ऐड कर लेते हैं। देखिए 1, 1, 1, 1, तो 4 टाइम 1 है, 1, 1, 1, 1 एंड एक ये हमारा 0.05। तो ये हम जब ऐड करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा,
SICI का डिफरेंस हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा तो 120 बनना है अगर इनको हम लोग ऐड करते हैं, एंड देन ये हमारा 1 2 3 4 4 है, तो ये हमारा 20 124.05, दिस इज आंसर। ये हमारा SICI का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे हमसे पूछ लेता कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है तो ये हम लोग ऐड कर देते, तो SI हमारा आ जाता 1200, क्योंकि हमें पता है कि जो ये प्रोसेस ही हमारा SI चलता है, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमें डिफरेंस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन SI एंड SI, तो हमने डिफरेंस बिटवीन निकाल लिया कि ये जो प्रोसेस हमारा था, ये जो नीचे का प्रोसेस था, ये हमारा SICI का डिफरेंस चलता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे कि कैसे हम अपने क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेस्ड प्रॉब्लम को भी बहुत ही ईजी स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियो शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आपको एग्जाम अप्रोच सिखाना है, ये एक शॉर्ट ट्रिक अप्रोच होता है। सो प्लीज़ गाइज, हमारा चैनल सिर्फ आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स पे वर्क करता है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट।